ठोस चुस्त लोग बहुत टाइम हो गया। अरे मर गए क्या सब? अरे उठो जागो, बड़ा आग बड़े से भी आगे से। अरे उठो, मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया है। मर गए हो तो बोल तो दो। अरे उठ रहे ना यार, दरवाजा तो खोलने दो यार, आप आ जाओगे क्या? अरे बाबा, तुमको कुछ समझ में भी आ रहा है कि खाली हवा में जिराफ की तरह मुंडिया हिला रहे हो? अरे ओ भाई, हेलो भाई यार। हाँ किसका जी, आप कुछ दिनों के लिए इंडिया जा रहे हैं और हमेशा की तरह आपके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। रोज मारना है, झाड़ू पोछा हो जाएगा। किसका जी परीक्षित रश्मि, किसका जी हम इस घर को अपना घर समझ के इसका ख्याल रखते। खबरदार खबरदार, जो इस घर को अपना घर समझा, तुम पेइंग गेस्ट है, पेइंग गेस्ट। अरे इसका मालिक मैं हूँ, सिर्फ मैं। किसका मिगलानी, कौन है इस घर का मालिक? आप मिस्टर किसका मिगलानी जी। थैंक यू जी। और मेरा किराया? यस सर। अभी दे रहे हो क्या? नहीं, मैं तो सिर्फ खुजली करूँ। अरे थुक कतई काड़ा मुँह थींदु, तुम कभी नहीं सुधरोगे। अरे जब हम नहीं सुधरे तो तुम क्या सुधरोगे? देखो मेरे वापस आने तक किराया तैयार रखना। yes. नहीं तो तुम जानते हो किसका मगरानी किसी का भी नहीं है। अरे ओ भाई, अरे मार जा कुत्ते टैक्सी वाला, छाता भी छीन उठे। किसका मगरानी, भगवान करे अब तू नहीं, तेरे मरने की खबर आ जाए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं? ठीक ठाक। और कहाँ है आपका भूल भुलैया? कहाँ है बल्लू सिंह? लेट आने दा और दा कीनी दर है। सॉरी सर, वो मैं जरा बाल कटवाने चला गया था। बाल कटवाने गया था? वो भी नौकरी के टाइम पे? आप सर हो गए भी तो नौकरी के टाइम पे ही थे ना सर। सर माफ कर दो ना, गलती हो गई ना। तो गलती मुझसे हुई है यार, मैं तो जैसे बेवकूफ लेट लेती काम छोड़ना नौकरी पे रखिया। देखा सर, गलती आपसे हुई और अब नौकरी से मुझे निकाल रहे। मैं अपनी गलती सुधार रहा हूँ, समझे? ये कोई उम्र है सुधारने की? कुछ नया पकाता हूँ, कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ तो मना कर रहे। तेरे माँ बाप ने भी अच्छी एक्सपेरिमेंट की है। अच्छा, उसका रिजल्ट ये है। सर अभी आप पर्सनल हो रहे, मेरा इंसल्ट कर रहे। तो अभी तक क्या मैं तेरे को राष्ट्रपति सम्मान दे रहा था, पद्म भूषण दे रहा था? एक लास्ट चांस, ठीक है, लास्ट वार्निंग, ठीक है ना? अब कपड़े टाइम पे ले आना, ठीक है? कपड़े? ओ लॉन्ड्री वाले यार, चेन क्या खींचता है? ट्रेन में खड़ा है तू? ट्रेन में खड़ा है? सर मैं यहाँ पे कुक हूँ। ओ ठीक है, तो लेट तो आता है ना सर? सर स्वादी खाया, नमस्ते इंडिया। हेलो, क्या मैं मिस्टर भावेश से बात कर सकती हूँ? ठीक है, हाँ जी, आप बोल रहा हूँ? मिस्टर भावेश, मैं Rediff.com से बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। कुछ दिनों पहले आपने हमारे थ्रू ग्रैंड हयात में शेफ के पोस्ट के लिए इंटरव्यू दिया था। हाँ दिया था। कंग्रेचुलेशन मिस्टर भावेश, आपको नौकरी मिल गई। मिल गई? क्या बात है, थैंक यू सो मच। इनफैक्ट कल से आप जॉब ज्वाइन भी कर सकते हैं। कल से? जी हाँ। ओके, अरे कोई मेरे को बताएगा मैं बाजार किस लिए जा रहा हूँ यार? काली मेरी, क्या बोल रहा था? मैं घटिया कुकू। 7-star होटल में नौकरी मिली है मुझे, सुपरवाइजर शेफ की पोस्ट पर, समझा क्या? है अपनी पहली सैलरी से एक मिर्ची का पैकेट खरीद कर तुझे लाके दे दूंगा। उसका क्या करना है तुझे पता है? क्या करना है? पिछवाड़े में लगाना। लात मारता भावेश वर्मा तुझे और तेरे 2% की नौकरी को, समझा? हेलो स्वाधिकार, नमस्ते इंडिया। हेलो मिस्टर भावेश है? हाँ बोल रहा हूँ, बोलिए। Rediff.com से बोल रही हूँ। मैडम एक सेकेंड होल्ड कीजिए। सुन बल्लू, आप बोलिए मैडम, बोलिए। मिस्टर भावेश मकवाना, मुझे आपको इन्फॉर्म करना। मैडम मकवाना नहीं, सिसोदिया वर्मा जी। वर्मा जी। हाँ मैडम, भावेश वर्मा, प्लीज मेक द नेसेसरी करेक्शन। भावेश वर्मा? हाँ। आपका नाम भावेश मकवाना नहीं है? नहीं। Then I'm sorry, ये नौकरी तो भावेश मकवाना को मिली है। सॉरी फॉर द मिसअंडरस्टैंडिंग। अरे मिस, प्लीज अंडरस्टैंड। देखिए
This is a powerful car, only for powerful people. आपके जैसे tough personality के अलावा किसी के हाथ में मैं steering wheel देख ही नहीं सकता. This is a smooth ride, only for the young generation. किसी बूढ़े खुजर आदमी के हाथ में ये steering wheel मैं imagine नहीं कर सकता. Trust me. Yeah, but 25 lakh baht. It's a big price. Price? कीमत की परवाह आप जैसे perfect और experienced लोग कहाँ करते हैं sir? Sir, don't mind. लेकिन अगर मैं salesman नहीं होता और आपका बेटा होता तो कहता कि dad, buy it for mom. क्योंकि उनकी तरह ये गाड़ी भी आपका जिंदगी भर साथ देगी. Trust me. अगर मैं salesman नहीं होता और आपका boyfriend होता तो ये गाड़ी खरीदने पर सिर्फ एक ही बात कहता. That yes, you're a beauty, but with brains. Trust me. Well, क्या चलेगा? चेक या कैश? Well, अगर चेक है तो कैश होने तक, अगर कैश है तो चेक करके. Trust me. अरे भाई, मुगले आजम लिख रहा है क्या? क्या? चार लाइनें लिखने के लिए चार हफ्ते लगाएगा क्या? लिख तो लिया. सुना भाई. सुन, एंकर कहता है, वेलकम दोस्तों. चांद की रोशनी जैसा, सितारों की सैर जैसा, बकरे की खैर जैसा, परियों के पैर जैसा, पेश है आज का हमारा ये एपिसोड टाइम के फेर जैसा. और कीड़े की मौत मरेगा राइटर तेरे जैसा. अबे ओ फ्रस्ट्रेटेड राइटर, ये बड़ा 30 मार का समझता है ना अपने आप को. तो बता बता, अगर तू मेरी जगह लिखता तो क्या लिखता? देख, शायर का इंट्रोडक्शन हो रहा है तो ऑब्वियसली एक शेर से शुरुआत होनी चाहिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहते हुए हैं आंसू, रिश्ते हुए हैं घाव, नो के कलम से मरहम उन पर लगा रहा हूँ. It's only words and words are all I have to take your hearts away. And to take your hearts away, आज हमारे स्टूडियो में है एक ऐसी शख्सियत जिनके अल्फाजों ने हर wonderful lines क्या लिखा है. लिखता है कि तुम मुझे लेथलॉन भेजने की परमिशन दे ले हो. क्या? Yes, my dear Bladel, ये लेथलॉन बेच कर मैं अपने हिस्से के पैसे वसूल कर लूंगा. और रेस्टोरेंट बेच दूं? हैं जी, ये रेस्टोरेंट बेच दूं, अपने बाबूजी का सपना बेच दूं, और भी तुझ जैसे आवारा अय्याश नलायक के लिए बेच दूं. मैं भी उस बाप का उतना ही बेचता हूँ जितना तुम उसके बेचते हो. इस रेस्टोरेंट पर मेरा पूरा हक बनता है. हक? हक की बात वो करते हैं जो अपना फर्ज पूरा करते हैं. और तूने बेटे वाला कौन सा फर्ज निभाया हुआ है? अपने हिस्से के सारे पैसे याशी में उड़ा दिए और ले दे के ये रेस्टोरेंट बचाया है. बाबूजी की आखिरी निशानी वो भी खाना चाहते हो? कान खोल के सुन, इस रेस्टोरेंट की एक इंट भी नहीं बिके कि एक इंट. एक इंट खरीदे ना तो अगर बिकेगा तो पुला तो पुला ले तो लौट देगा. तुम्हारे चीचे जी तुम्हारे मरने के बाद एक हफ्ते की मोहलत देता हूँ. अगर ये लेथलॉन बेच के मेले हित इतने पैसे नहीं मिले ना तो तुम तो मेला पावल डालते हो ना. ओए रोनी. वालो वालो सिंह जी, कैसे खाने पीने में मिलेगा? बहुत भूख लगी है. वालो सिंह जी, सब ठीक ठाक है ना? हाँ इंस्पेक्टर, सब ठीक ठाक है. मैं इनका तोता भाई लोनी. लोनी? लोनी नहीं, लोनी लोनी. रोनी भाई, रोनी कहने की कोशिश कर रहे हैं. तो तीस नहीं तेला हूँ, मेरा नाम लोनी है. और ये चाकू? ये चाकू तो हमारे पिताजी की असली निशानी है. बाबर जी थे प्यार दमातली नहीं चाकू थे ताते थे ना भैया. मैं जाता हूँ, अगले हफ्ते आऊंगा. मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं, काम चाहिए. काम चोर, सबको फ्री की सैलरी चाहिए. यहाँ पर जाओ, जाकर वीकली सेल्स रिपोर्ट कंप्लीट करके लाओ. जाओ, गेट लॉस्ट. अबे हंसता क्या है, ट्रस्ट मी, अब तेरी बारी है. हाय, गुड मॉर्निंग. वाओ, यू आर लुकिंग वेरी प्रीटी टुडे. कितनी बार बार मेरे सामने सीधे खड़ा रहा करो. आई हेट दिस आर्टिफिशियल बॉडी लैंग्वेज ऑफ योर्स. सॉरी मैम. सुनाश, फिर तुम लेट है. Switch that bloody thing off. Yes, ma'am. Yes, ma'am. और अब तो मेरे सर पे खड़े रहोगे कि बैठोगे भी? Thank you. मैम, आपने ये नहीं सुना कि आज मैंने दो गाड़ियां भी बेची है? सुना है. Good. ये तो मेरा काम है.
फीमेल कस्टमर्स के साथ फ्लर्ट करना, अपने आप को किसी फिल्म हीरो से कम नहीं समझना, यही काम है ना तुम्हारा? दिस इज योर फुल टाइम जॉब। राइट? वो काम तो मैं फ्री में करता हूँ मैम। आई एम सॉरी, मैं तो स्विच दैट ब्लडी थिंग ऑफ। आपका बज रहा है मैम। मैम, आई डिडंट मीन इट, डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं तो बस मौके का फायदा उठा रहा था। गाड़ी बिके या ना बिके, लड़की को तो मैं फंसा ही लूंगा, राइट? ये मेरी ऑफिस है and I'm more concerned about my reputation than I am about my profits. You get it? But ये मेरी तुम्हें आखिरी वार्निंग है। I do not want any roadside Romeos here. I need a serious salesman. Understand? Ma'am, अब की you! Ma'am, but ma'am. I said get out. Okay, बस हो गया, बहुत हो गया. It's enough. I can't. मैं खुद ही नौकरी छोड़कर जा रहा हूँ। मैं खुद आपके जैसे बदतमीज और घमंडी लड़की के साथ काम कर ही नहीं सकता। What? Yes, ma'am. You are sick. आप पागल है, you're crack. ma'am, जिंदगी एक echo sound की तरह होती है। इससे जिस तरह सवाल पूछा जाए ना, उस तरह मुड़कर जवाब भी मिल जाता है। इस नफरत के दायरे से प्लीज निकलिए और जिंदगी को सांस लेने का मौका दीजिए। प्लीज जस्ट रिलैक्स, गो इजी ऑन योरसेल्फ। और वो राजन मेरी लाइन लेके दूसरों को देता रहता है। वो तुम्हें क्या लगता है, मुझे मालूम नहीं उसके राइटिंग का लेवल क्या है? अरे तो तुमको उसके राइटिंग का लेवल मालूम है तो तुम तुमको उसके राइटिंग का लेवल पता है तो तुम कुछ करते क्यों नहीं? कैसे कुछ करो, तुम्हें मालूम है राजन चैनल हेड की रिकमेंडेशन है और ऊपर से अप्पा। कहाँ जा रहा है? अप्पा की स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है, तुम मेरे कैबिन में अकेले नहीं आ सकते। ओके, तो मैं अकेले कहूँ? मेरे साथ मेरे जज्बात है। लेट्स गो। क्या हुआ? फट गई। क्या? पराग, तुम भी ना, अब आ जाएंगे। चलो, तुम शो के कॉस्ट्यूम्स अंदर है वो पहनो। सीमा, ओपन द डोर। अप्पा, आई से ओपन द डोर। निकिच किस्म का आदमी है, हमेशा गलत वक्त पे सही जगह पे टपक पड़ता है। किधर है वो रास्कल पराग? किधर है? छोड़ेगा नहीं। पराग? कौन पराग? ओ पराग, वो तो यहाँ नहीं आया। आया, इधर आया, मेरे को मालूम, सिक्योरिटी वाला मेरे को बोला उसको छोड़ेगा नहीं पराग। अप्पा बिलीव मी, आई एम योर ओन ब्लड। इसीलिए तो बिलीव नहीं होता, वो रास्कल इधर ही होगा, जिधर जिधर भी होगा हम उसको ढूंढेगा और उसका सांभर बनाएगा। என்ன ராசுக்கள்? ஹலோ, எஸ் மேர்லோ இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி? நோ, ஐ டோன்ட் நீட் லைஃப் இன்சூரன்ஸ், தேங்க் யூ. போலும் जाकर लड़किया वर्किया को पटाने बटाने में मत लग जाना। अर्पिता, you know me. I'm a God-fearing person. बुरे कर्म और मैं never. अच्छे कर्म करूंगा तो तुम्हारे साथ रहूंगा, बुरे कर्म करूंगा तो नरक जाऊंगा। नरक? अ
I'll be the baby. I was just joking. Cheer up. Listen, I have to go right now. Okay. पटाया में रहोगे कहाँ? परीक्षित ने मेरा कजिन फ्लाइट ली पटाया सीधा उसके बंगलो पर. मिस्टर सिंह नो, अरे नौकरी गई तो गई, आई डोंट इवन केयर. ये आरती मैम, आपने आपको समझती क्या है? अपनी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं? मिस्टर सिंह, आई विल कॉल यू बैक. परीक्षित बेटा, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रख और इस काम में लग बेटे मिले. भावे, कहाँ था तू भावेश, कहाँ था तू? I was really missing you यार. क्यों? क्यों मतलब एक दोस्त दूसरे दोस्त को मिस नहीं कर सकता है क्या? I mean they're best friends यार, they're like brothers. You don't believe in brotherhood? क्या बकवास कर रहा है तू, ठीक है ना? Actually I was just thinking about us. Us? Us मतलब हम तीन दोस्त यार, हम तीन दोस्त. हम लोग में से you know अगर किसी को कभी भी खुदा ना खास्ता कुछ भी हो जाए, कोई भी करामत आ जाए, अगर कोई जैसे फॉर एग्जाम्पल चल तेरी तेरी नौकरी चली जाए. इसे कैसे पता चला कि मेरी नौकरी चली गई? तू बेरोजगार हो जाए, खर्चे पानी का लफड़ा हो जाए, खाने के वांदे हो, तू नंगा घूम रहा हो, कौन करेगा तुझे सपोर्ट? कौन? कौन? मैं हूं ना, तेरा दोस्त, तेरा यार, तेरा ब्रदर, ब्रदरहुड, सच. नेचुरली यार, अभी देखना, छोड़ना. अब मान ले मेरी नौकरी चली गई. शुभ शुभ बोल, शुभ शुभ बोल. मान ले यार. अरे चल ठीक, अगर मैं बेरोजगार हो गया तो तू मेरी सपोर्ट करेगा कि नहीं? ऑफ कोर्स यार, पूछने वाली बात है, दोस्त हूँ यार. बस मन हल्का हो गया. हाँ यार, मेरा भी. तुझसे कुछ बात करनी थी. मुझे भी. मेरी नौकरी चली गई. मेरी भी. क्या यार, कितना मिस कर रहा था तुम लोगों को मैं यार. Actually, I was just thinking about us, you know, us three friends. हम तीन दोस्त. We are like brothers, man, brothers. What? You guys don't believe in brotherhood? नहीं, अगर you know, हम तीनों में से किसी एक पर खुदा ना खास्ता, God forbid, कोई कयामत आ जाए. जैसे फर्ज करो कि तुम दोनों की नौकरी चली जाए. चली गई. अब नई नौकरी मिलने तक खर्चा पानी कहाँ से चलेगा? नो वरी, मेरे कुछ सेविंग्स है, कुछ दिनों तक उसी से काम चला लेंगे. ए नहीं यार, तूने वो पैसे इंडिया भेजने के लिए रखे, अपने फैमिली के लिए. तो तुम लोग मेरी फैमिली नहीं हो क्या? बकवास कर रहा है. चल यार, देख बात करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी. लेट्स गो एंड लुक फॉर सम न्यू जॉब्स. ऑलराइट? यस, एंड लेट्स नॉट ब्लो द जॉब्स दिस टाइम. चल. वन सेकंड. खर्चे पानी तक तो ठीक है, पर उसका क्या? किसका? एग्जैक्टली उसी का. किसका मिगलानी, आते ही सवाल करेगा, ये घर का मालिक कौन है? किसका? आहा, किसका मिगला? मुझसे मिमिक्री नहीं होती. भाड़ा कौन देगा उसका? ये तब की तब सोचेंगे यार, अब पहले ये जॉब की प्रॉब्लम सॉल्व कर देते और भगवान से दुआ करते हैं कि अब कोई नई प्रॉब्लम उड़ के ना आ जाए. अच्छा, आप यही जा रहे हैं ना? आप बता सकते हैं इस घर का मालिक कौन है? किसका? इस घर का. किसका? अरे ये जो सामने घर है ना, उस घर का मालिक कौन है? किसका? मैं जाऊं? मुझे कहाँ जा रहे हो तुम? अंदर. अंदर कहाँ जा रहे हो? घर में. बस उसी घर की बात कर रहा हूँ कि इस घर का मालिक कौन है. किसका? ओके, ये क्या है? एंट्रेंस. उसके आगे क्या है? पोर्च. उसके आगे क्या है? घर. बस इसी घर की तो बात कर रहा हूँ कि इस घर का मालिक कौन है. किसका? दिखाई नहीं दे रहा है ये घर. ये कौन है भाई, क्या कर रहा है? थैंक गॉड भाई साहब आप आ गए. भेजा फ्राई करके रख दिया था इस आदमी ने. एक छोटा सा सवाल पूछा था, देखिए क्या हालत कर दी मेरी. आप आगे आप ही बता दीजिए कि ये किसका घर है. किसका घर? भाई साहब किसका का नहीं होता है, पूछिए किसका. अरे मैं क्यों पूछूं किसका, मैं बता रहा हूँ ना किसका का. इस घर का, इस घर का, इस घर का. बे क्या मालिक कौन है? किसका? जानता है तू?
आने के पहले फोन नहीं कर सकता था? फोन नहीं कर सकता था? इतनी बार फोन लगाया, तेरा फोन लगता ही नहीं है। अच्छा चल ठीक है, अब तू आई गया है तो मिलते रहना। चीज मिलते रहना? अरे मैं यही रहने आया हूँ। तू कहाँ रहने आया? तुम्हारे साथ। कोई प्रॉब्लम है? नहीं देख जयेश मेरे भाई, वो किसका मिगलानी है ना, इस घर का मालिक, वो इस दुनिया का सबसे बड़ा खड़ूस और सबसे बड़ा घटिया आदमी है, वही प्रॉब्लम है। अबे इतनी प्रॉब्लम है तो ये घर को छोड़ क्यों नहीं देते? देख भाई चतुर सिंह चतुर्वेदी, ये पटाया है पटाया, यहाँ पे छोकरी मिलना आसान है, घर और नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। एडवांस रेंट और डिपॉजिट देने की हमारी हैसियत नहीं। ये जो किसका मिगलानी है ना, इसने ना डिपॉजिट लिया ना एडवांस रेंट लिया, हमें ये घर दे दिया, तो कुछ तो झेलना पड़ेगा ना भाई। करेक्ट। देखो मुझे जॉब के साथ फ्लैट भी मिलने वाला है, अगर जॉब लग जाती है तो तुम लोग मेरे साथ रह सकते हो। पीना पाप है और जो पाप करता है वो नरक में जाता है। ये शराब थोड़ी है तो शरबत है यार। शाओलिन तंबू बैंकॉक बम्बू। ओह दिस इज बैम्बू जूस। वो पी सकता हूँ बम्बू। ठीक है मैं ठीक तरह पीछे रहूँगा और जो मैं बोली तो वही लड़की के सामने रिपीट करना, समझा? लेकिन मुझे मिलेगी, ट्रस्ट मी। ओके हाय बो। हाय। हेलो। नाम बोलो। आई एम भवेश। भवेश। हेलो आई एम मरिया। बहुत खूबसूरत है आप। बहुत खूबसूरत है। क्यों? बाल जैसे लहराते संगीत के सुर। आपके बाल जैसे लहराते संगीत के सुर। आँख जैसे स्टीमिंग हॉट ब्लैक कॉफी। आपकी आँख जैसे स्टीमिंग हॉट ब्लैक कॉफी। होंठ जैसे यमी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। आपके होंठ जैसे यमी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। रेट क्या? आपका रेट क्या?